بسم الله الرحمن الرحيم آج کی کلاس میں ہم پڑھیں گے How to find factorial of a positive integer number کہ ہم کیسے ایک positive integer number کی factorial find کر سکتے ہیں by using C++ programming تو first of all ہم آتے ہیں preprocessor directory کی طرف hash include iostream.h and hash include ponio.h ठीक है जी, ये हमारे पास दो प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज है जिसकी हम कुछ बिल्ट इन फंक्शन जो है अपने प्रोग्राम में एक्सेस करेंगे। अच्छा जी, वाइड मैन हर सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में क्या होता है, एक मैन फंक्शन होता है जिसे वाइड मैन कहते हैं। क्लियर स्क्रीन लगा देते हैं कि हमारा जो पिछला रिजल्ट हो जब हम अपने प्रोग्राम को रन या कंपाइल कर ले तो हमारे पास जो पिछला रिजल्ट हो वो क्लियर हो जाता है और स्क्रीन जो है क्लियर हो जाता है। अच्छा जी, क्लियर स्क्रीन आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंटीजर वेरिएबल लेते हैं, इसको हम इन एंड इट दो वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं और एक को जो है मैं इनिशियलाइज भी कर देता हूँ। ठीक है जी, इसको हमने क्या कर दिया, हमने दो वेरिएबल लेगी जिनका डेटा टाइप जो है इंटीजर है और एक को हमने ड्यूरिंग डिक्लेरेशन जो है इनिशियलाइज भी कर दिया। ठीक है जी, आते हैं सी आउट, मतलब यूजर से एक इंटीजर नंबर हम देंगे। ठीक है जी, एंटर एनी इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर। ठीक है जी, अच्छा यूजर क्या करेगा, सीएन करेगा नंबर को। इधर फिर हम लगा देंगे पार लूप, पार एंटर सी इज इक्वल टू व्हाट, वन। ठीक है जी, सी लेस देन आर इक्वल टू एन, क्या कर लो सी प्लस प्लस कर लो। ठीक है जी, एंड इधर हम क्या कर लेंगे, एफ स्टेरिक इज इक्वल टू सी। ठीक है जी, सी आउट कर लो, क्या एन इन क्या होगा, वही नंबर होगा। एंड द सेकंड पार्ट इज एक मैसेज डिस्प्ले कर लो, फैक्टोरियल ऑफ गिवन नंबर, गिवन नंबर या फैक्टोरियल एज, फैक्टोरियल एज इक्वल टू व्हाट, और इधर एक जो है लगा दो। ठीक है जी, एक में क्या है, एक में हमारे फैक्टोरियल या उसका जो आंसर है ये स्टोर है। ठीक है, गेट सी एच गेट करेक्टर एंड क्लोज द फंक्शन बॉडी। अच्छा जी, तो इसको जो है आप फर्स्ट ऑफ ऑल alt F9 की थ्रू चेक कर लो कि एरर्स तो नहीं है। तो इधर जो है एक एरर है, सी हमने कैपिटल डिक्लेयर किया है, सी जो है क्या है स्मॉल है। ठीक है जी, फिर देख लो इसमें एरर नहीं है, अब रन कर लो। एंटर एनी इंटीजर नंबर या पॉजिटिव इंटीजर नंबर, फॉर एग्जांपल मैं 4 एंटर कर देता हूँ, 4 फैक्टोरियल इज 24। फैक्टोरियल का क्या कंसेप्ट होता है, 4 फैक्टोरियल कैसे फाइंड कर सकते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो इससे क्या आएगा 24 आएगा। इसी तरह अगर आप देख लो स्क्रीन का ये काम है कि जो हमारे पास पिछला किया था रिजल्ट था वो क्लियर हो गया। ठीक है जी, अब मैं 5 एंटर कर देता हूँ, तो 5 फैक्टोरियल हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है जी, तो ये देख लो 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 120।
अच्छा जी, तो अगर इस प्रोग्राम को आप रन कर लो, ठीक है जी, और आप एक वैल्यू दे दो, तो ये वैल्यू जो है गलत देता है। इसका क्या वजह है? क्योंकि इधर हमने इंटीजर लिया है, तो इधर हम इंटीजर के बजाय अगर डबल ले लें, ठीक है, और फिर हम एंटर कर ले, तो अब ठीक होगा, ठीक है जी। तो इसी तरह इंटीजर के बजाय अगर आप डबल ले लो, फिर डबल में भी आप लॉन्ग एंड शॉर्ट ले सकते हो, तो हम सिंपली डबल या लॉन्ग डबल डिक्लेयर करेंगे, ठीक है जी। तो अगर आपके पास वैल्यू बड़ा हो, तो बड़ी वैल्यू के लिए आपने जो है डबल या लॉन्ग डबल वेरिएबल डेटा टाइप को क्या करना है, डिक्लेयर करना है, ठीक है जी। तो ये एक मसला आएगा आप लोगों को, अगर आपने इसका डेटा टाइप इंटीजर लिया हो, तो ये जो है अप टू 7 या 6-7 तक आपको फैक्टोरियल ठीक देगा, इसके बाद आपको एरर देगा। एरर ये होगा कि आपकी वैल्यू जो है एक्यूरेट नहीं होगा, तो इसका डेटा टाइप आप जो है डबल या लॉन्ग डबल ले सकते हो, ठीक है जी। ओके, विश यू बेस्ट ऑफ लक।